नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं, काफ़ी बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को जो है काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारियाँ, तमाम बड़ी अपडेट की जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का होता है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट जो है लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट से खबरों की तरफ। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर जो है एक गिव अवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप भाग लेकर जीत सकते हैं एक 32 इंच का MI LED TV। तो दोस्तों उसमें भी भाग जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार के बाद अब इन राज्यों में भी शराब पर लगेगा पूरी तरह से बैन। मोदी सरकार ने बनाया है प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा बिहार में जो है पूर्ण रूप से शराब जो है बंद की गई है। सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग जो है जहरीली शराब से लोगों को बचाना है। लोग जहरीली शराब पीकर जो है काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं तथा उनकी मृत्यु दर जो है बढ़ती जा रही है। अब मोदी सरकार ने जो है देश भर के 10 ऐसे राज्यों को चुन लिया है, जहां पर पूरी तरह से शराब को बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने यह बड़ा कदम उठा लिया है, ताकि देश में नौजवान जो है वो हमारे शराब की लत में पड़कर अपना भविष्य जो है वो बर्बाद ना करें और वो एक सही दिशा में जाएं। क्योंकि दोस्तों देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है वो नौजवानों की होती है। साथ ही देश में काफ़ी ज़्यादा परिवार जो है परेशान होते हैं, परिवार के लोग परेशान होते हैं, जिसकी वजह से शराब की वजह से दोस्तों पूरा भारत में हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐसे घर होते हैं, परिवार होते हैं तथा लोग हैं जो कि परेशान हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने 10 और राज्यों में जो है शराब को पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया है। दोस्तों इसके लिए सरकार जो है प्लान बना रही है और जल्दी इन राज्यों की घोषणा जो है सरकार करने वाली है। साथ ही पूरी तरह से बैन कब होंगे सरकार इसकी भी डेट अनाउंस करने वाली है। तो दोस्तों मोदी सरकार के इस बड़े कदम से आपको खुशी मिली या फिर नहीं मिली, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। पीएम किसान योजना के तहत अब किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा सरकार ने बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब आपको सभी अभी तक जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो दोस्तों आज ही आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना जनधन खाता वहां पर जुड़वाइए। क्योंकि सरकार जो है अभी तक यहां पर 6,000 रुपये किसानों को दे रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है 18,000 रुपये करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जनधन खाते में जो है ये राशि दी जाएगी और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और वहाँ पर आप अपना तथा खेती के बारे में बताइए, ताकि आपको जनधन खाते में जो है सीधे 18,000 रुपये की राशि सालाना यहाँ पर मोदी सरकार देने वाली है। तो दोस्तों इसे 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया, तो सभी किसान भाइयों के लिए जो काफ़ी बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रही थी। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अक्षय कुमार दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स ने 2019 की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को चौथा स्थान दिया है। यानी कि अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा कमाई के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो है टॉप पर मशहूर रेसलर व एक्टर जो है तथा डेविन जॉनसन है, तथा उन्हें आप जरूर जानते होंगे, उन्हें रॉक के नाम से भी जाना जाता है। कमाई के लिहाज से अक्षय कुमार ने बॉलीवुड की खान तिकड़ी के साथ ही सभी साथी कलाकारों को जो है बहुत ही पीछे छोड़ दिया। इससे पहले फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हें दुनिया में 33वें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कलाकार का दर्जा भी मिल चुका है। हालांकि अब उन्हें जोरदार छलांग लगाकर चौथे स्थान हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट की तरफ। तो दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। FATF ने किया है ब्लैक लिस्ट और बढ़ेगा कर्ज और डूब जाएगी इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, कंगाली में आटा गिला कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कंगाली और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग गया है तथा अवैध फंडिंग करने के मामले में फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स ने, जो FATF ने, पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया। FATF ने एशियाई प्रांत क्षेत्र ग्रुप में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट सूची में जो है डाल दिया। बता दें कि पाकिस्तान ट्रेडिंग फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में जो है नाकाम साबित हुए हैं। उन्हें 40 में से 32 स्टैंडर्ड में जो है फैल पाया गया है पाकिस्तान को, इसीलिए उसे ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो और भी चरमरा जाएगी, जिससे पाकिस्तान जो है तथा दाने दाने के लिए मोहताज होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप पाकिस्तान के इमरान खान को क्या जवाब देना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट जानने से पहले दोस्तों आपके लिए आज का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और मेहनती प्रधानमंत्री कौन
कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे लोकप्रिय और मेहनती प्रधानमंत्री कौन से हैं, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से जो है एक 32 इंच का MI LED TV दिया जाएगा। तो फटाफट से आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है जवाब लिखकर बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, हादसे में मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो, लेकिन अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो केंद्र सरकार ने इसके लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में मोटर व्हीकल बिल संशोधन 2019 के बारे में जानकारी दिया और इस बिल में सरकार ने सड़क हादसे के कारण होने वाली मौतों पर आम आदमी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही में ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की सिफारिश की है, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोगों में ज्यादातर कई ऐसे परिवार होते हैं जिनमें कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, अगर उसके भी किसी हादसे में अकारणवश मौत हो जाती है तो उसका परिवार जो है पूरी तरह से टूट कर ना बिखरे, इसीलिए उन्हें 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह भी निकल कर आ रही है कि बिना दोष दायित्व के तहत मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, किसकी गलती है ये नहीं देखा जाएगा, अगर हादसा हुआ है तो सभी को दिया जाएगा ये राशि। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिल में मोटर वाहन के उपयोग से होने वाले किसी भी हादसे के कारण मृत्यु से पीड़ित के परिवार को जो है बिना दोष दायित्व देखे हुए उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही गंभीर चोटों के लिए 2.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी घोषणा सरकार ने कर दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि सस्ते होंगे सभी प्रकार के लोन, ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने के लिए राजी हुए हैं बैंक। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बैंकों से जुड़े हुए कई बदलाव जो है उनके करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े बदलाव करने की यहाँ पर घोषणा वित्त मंत्री ने कर दी है। इसमें सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों पर बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक करने के लिए राजी हो चुके हैं और बैंकों के इस कदम के बाद ऑटो लोन समेत देश के जितने भी लोन आप लेते हो, चाहे आपने घर के लिए लोन लिया हो या फिर आपने गाड़ी के लिए लोन लिया हो या फिर आपने जमीन जायदाद खरीदने के लिए लोन लिया हो या फिर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया हो, किसी भी प्रकार का जो लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो आपको कोई तो सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, साथ ही उसके ऊपर नाममात्र का, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम ब्याज जो है आपसे लिया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी आम आदमी के लिए निकल कर आ रही थी। इसी के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि 31 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन होने वाले PS4 वाहनों पर कोई खतरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटो सेक्टर में मंदी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने साफ किया है कि 31 मार्च 2020 तक BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और 31 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन होने वाली BS4 गाड़ियां अपने पूरे कार्यकाल के लिए मान्य होंगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बाजार में इस बात को लेकर असमंजस था कि BS4 गाड़ियों को कहीं सरकार जो है BS6 आने के बाद अवैध घोषित ना कर दे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। BS4 गाड़ियां भी तथा उतनी ही वैलिड होंगी अपने पूरे समय के लिए, उन्हें भी तथा पूरा वैलिड माना जाएगा। तो मोदी सरकार ने यह भी बड़ी खुशखबरी ऑटो सेक्टर में दी है, साथ ही आपको वाहन खरीदने में जो है यहाँ पर राहत मिल चुकी है। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, मौसम विभाग की चेतावनी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तथा देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और पूरे भारत में कई राज्यों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल समेत कई राज्यों में जो है आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही दोस्तों पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 घंटों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं दोस्तों तथा उत्तराखंड में जो है कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आने की संभावना भी यहां पर जताई गई। जी हां दोस्तों, पूरे देश में जो है आने वाले 24 से 72 घंटों में जो है भयंकर बारिश होने की उम्मीद यहां पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने यह अलर्ट जो है जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, PM मोदी के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक आज होगी, UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय फ्रांस के दौरा खत्म करने के बाद जो है अब आबू धाबी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री आज वहां पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद से मुलाकात करेंगे और दोनों नेताओं के बीच आज द्विपक्षीय बैठक भी होगी और PM मोदी आज ही UAE के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, PM मोदी को वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो उन्हें मिलने वाला है। जिस तरीके से हमारे भारत रत्न दिया जाता है, इसी प्रकार से UAE का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो हमारे देश को मिलने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि एक मुस्लिम देश जो है हमें ज़्यादा तहजीब दे रहा है तथा हमें ज़्यादा अपनी दोस्ती की तरफ बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पूरा, जो कि पड़ोसी मुल्क हमारा जो पाकिस्तान है तथा एक मुस्लिम देश होने के बाद भी आज तक जो है ये सम्मान UAE से हासिल नहीं कर
कर पाया है। तो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है पूरे देश के लिए। तो इसी बात पर दोस्तों आप मोदी को पसंद करते हैं फिर नहीं करते हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही मोदी के नाम पर इस वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है, पेट्रोल के रेट में राहत का सिलसिला जारी है, डीजल के भाव भी स्थिर बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही नरमी के बीच घरेलू बाजार में जो है पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसी तरह से डीजल के रेट में भी लगातार तीसरे दिन पुराने स्तर पर ही कायम बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों चारों महानगरों के अगर आप पेट्रोल और डीजल के भाव देखना चाहते हो तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर रोक दोकर आप चारों महानगरों के यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भाव जो है आप आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियां, मुख्य जानकारियां। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों के अपडेट जो है आगे भी लगातार मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो।